ये एसपी के ऊपर कार्रवाई करो ना योगी आदित्यनाथ, हिंसा जो कर रहा है उसे चिन्हित कीजिए, उसको सजा दीजिए, बहुत खतरनाक है, बदला लेंगे। किससे बदला लेना चाहते हैं? इतना मुश्किल है कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, मोदी है, अमित शाह है या गृह राज्य मंत्री है? नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया में मौजूद हूँ। जिस तरीके से एनआरसी और सीएए का मुद्दा अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है, तमाम जगह से खबरें आती है, चाहे वो एएमयू हो, डीयू हो, जामिया हो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डीयू के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि जो भी क्षति हुआ है, सार्वजनिक क्षति, वो जो हिरासत में लिया गया उनसे भरपाई की जाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे वही अपेक्षा भी है जिसे मुख्यमंत्री बनने के पहले भी उनके बयानों को अगर सुना जाए, वो किस तरह से संविधान का कितना लिहाज रखते थे, वो अपने बयानों में कितनी नफरत, सांप्रदायिकता जाहिर करते थे, उसे देश जानता है। शायद उसी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि बाकी और कोई काबिलियत तो उनके पास मुझे लगता है नहीं थी। तो जिस मकसद से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, वोट उनके नाम पर तो मिला नहीं था। अब ऐसे वक्त में उन्हें लगता है कि गुजरात में हिंसा फैला करके अपनी एक छवि बना करके एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है, तो वह भी शायद वैसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। क्योंकि संविधान कहता है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यह भाषा नहीं बोलता है कि बदला लो। उनकी पुलिस जो भाषा बोल रही है, जिन मोहल्लों में जा करके, घर के भीतर जा करके तोड़फोड़ कर रही है, खड़ी हुई गाड़ियों को घर में घुस करके तोड़ रही है, सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर मुकदमे लगा रही है, यह इस संवैधानिक हिसाब से बहुत खतरनाक है। अभी लगातार वो यही ट्वीट कर रहे हैं कि आप बदला लेंगे। किससे बदला लेना चाहते हैं? हिंसा जो कर रहा है उसे चिन्हित कीजिए, उसको सजा दीजिए। हर मोहल्ले में घुस करके पुलिस हमला कर रही है, और कल जो शायद बिजनौर जिला है जहां के एसपी ने मेरठ या बिजनौर वहां पर जाकर उन्होंने बोला क्या, मुस्लिम इलाके में जाकर के कह रहा है कि तुम लोग यहां क्यों, पाकिस्तान चले जाओ। ये एसपी के ऊपर कार्रवाई करो ना योगी आदित्यनाथ, जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा संविधान अभी भी सेकुलर है। या तो तुम यही चाहते हो कि इस देश के सारे मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाए, तो खुल के बोलो, ये वोट क्यों ले रहे हो संविधान की, ये बहुत गलत है। जी बिल्कुल सही कह रहा आप। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके कपड़े से पहचान कर ली जाएगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल वही, ये पूरी ट्रेनिंग का मामला है, ये आरएसएस की ट्रेनिंग है। अमेरिका में जाकर के जब आप कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं, तो बुद्ध के दो मूल्य हैं, सत्य और अहिंसा। सत्य तो आपसे बोला नहीं जाता, अब ये तय करना मुश्किल है कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, मोदी है, अमित शाह है या गृह राज्य मंत्री है, या संसद की कार्यवाही में जो गजेटेड डॉक्यूमेंट है वो झूठ बोल रहे हैं कि सीए उससे किसी की नागरिकता जाएगी नहीं, एनआरसी पर कोई बात नहीं हुई, NPR का NRC से कोई रिश्ता नहीं, जबकि डॉक्यूमेंट बिल्कुल उल्टे हैं। सच बोलने की बात ये छूट चुके हैं, तो ये झूठे लोग हैं। हिंसा इनकी ट्रेनिंग में है, कोर में है, ये हिंसा के जरिए ही अपनी विचारधारा, जो गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार की विचारधारा है, जो हिंसा पर आधारित है, उसे संविधान के ऊपर लागू करके हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में है। और सबसे अहम बात क्या है ना, गाँव में हमारे एक कहावत बड़ी अच्छी चलती थी कि चोर जब भैंस चुराने आते थे ना, तो भैंस के गले में जो घंटा होता था उसे निकाल करके एक चोर दूसरी दिशा में भागता था, और भैंस लेकर के दूसरा चोर उसके ठीक उल्टी दिशा में भागता था। रात के अंधेरे में जिधर से घंटे की आवाज़ आ रही है, सारे गांव वाले उधर दौड़ते थे, और भैंस लेकर के चोर दूसरी तरफ भागता था। अंत में वो चोर घंटा फेंक करके भाग जाता था। जब गाँव वाले पहुँचते थे तो उनके हाथ में घंटा मिलता था।
और भैंस चोरी करके वो निकल जाते थे। इस समय ये मोदी सरकार यही काम कर रही है। अशिक्षा, बेरोजगारी, मंदी, महंगाई, बैंकों की 10,000 करोड़ से ज़्यादा एनपीए, मंदी, जीडीपी का ग्रोथ रेट सबसे कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट में माइनस में आ गया, किसानों की आत्महत्या, मजदूरों के सवाल, 3 लाख से ज़्यादा लोग जो नौकरी से निकाल दिए गए, कंपनियां बंद हो रही हैं, जीएसटी से मार खाए लोग हैं, उन सबको ये घंटे की तरह, भैंस की तरह ले जा रहे हैं और घंटा बांध दिया है। सीए, एनआरसी, 370, मंदिर, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, यह खेल एनपीआर भी लागू हो गया। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि पहली बात तो ये कि जो आंदोलन चल रहा है ना, इसने तुम्हें बैकफुट पर ला दिया है कि तुम हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहे थे, नहीं हुआ। और ये सारे लोग जो भी देश के संविधान में भरोसा रखते थे, वो सब एकजुट होकर के मोदी के सामने खड़े हो गए कि ये एजेंडा आपका नहीं चलेगा और संविधान से चलेगा ये देश, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और वापस आपके मुद्दों पर लौटना होगा। तुम ये चाहते हो कि क्या इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दों से असली जनता के मुद्दे हाशिए पर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम उन मुद्दों पर भी लड़ेंगे और संविधान के बचाने के लिए भी लड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।